फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिजिक्स सिलेबस फ्रॉम क्लास प्लस वन, एंड टूडेज आवर टॉपिक विच इज़ वेरी सिंपल। द टॉपिक नेम इज़ फिजिकल वर्ल्ड, और सिंपली वी कैन से इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। Introduction to Physics. It is a very basic and a very simple topic which we are going to start. सबसे पहले हम बात करते हैं what is physics. दोस्तों, physics है क्या? Simply we define physics is the study of nature and all natural phenomena such that the basic law of physics must be obeyed. मेरा कहने का मतलब ये है, फिजिक्स स्टडी है नेचर की एंड ऑल नेचुरल फिनोमिना की, इन टर्म्स ऑफ विच द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट बी ओबेड। और सेकेंडली, फिजिक्स कैन आल्सो डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट्स। दोस्तों, मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले, नेचर मीन्स प्रकृति, स्टडी ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति, और जितनी भी प्राकृतिक जो परिघटनाएँ हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उन सभी की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। कब? जब हम इन परिघटनाओं के बारे में, जितनी भी प्राकृतिक परिघटनाएँ होती हैं, जितने भी इवेंट्स हैं विच टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जितने भी परिघटनाएँ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, हीटिंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड न्यूक्लियस, एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, ऑल आर कंसिडर एज ए नेचुरल फिनोमिनाज। इन सभी की स्टडी, नेचर और नेचुरल फिनोमिना की जो स्टडी है, हम दोस्तों तभी कर पाएंगे जब हमें जो बेसिक लॉ है फिजिक्स के, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, अगर हम हमारे कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों, हमें पता है सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, अगर हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओके? और अगर हम किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, मान लो जैसे कोई एप्पल है, न्यूटन सर ने बताया था, एप्पल जब किसी पेड़ से टूट के नीचे गिरता है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, तो उसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जितने भी इवेंट्स हैं, उन सभी के बारे में हम तभी बता पाएंगे जब हम हमारे फिजिक्स के जो बेसिक लॉ हैं उनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों? और जो सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बोली, द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज फिजिक्स। दोस्तों, अगर मान लिया, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे मान लिया ये कोई बॉल है, इस बॉल को मैंने टाइम जीरो पे यहाँ से फ्री फॉल कर दिया, तो दोस्तों ये नीचे गिरेगी, और मान लो ये हाइट h है हमारी, तो जब ये नीचे गिरेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, कितने टाइम में ये नीचे आएगी, ठीक है? स्पीड में और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, हाइट और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, इन सभी जितने भी पैरामीटर यहाँ पे बनेंगे, जितने भी पैरामीटर यहाँ पे हम निकालेंगे, उन सभी के बारे में दोस्तों हम तभी बता पाएंगे जब हमें इसका जो बेसिक मेजरमेंट है वो पता होगा, अदरवाइज़ हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो मेजरमेंट का भी बहुत मेन रोल रहता है। कोई भी फिजिकल लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो बेसिक मेजरमेंट्स है उसका पता होना ज़रूरी है, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे और तभी हम उस इवेंट को, उस फिनोमिना को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो सिंपली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी वे में मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दोस्तों, वैसे तो ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द नेचर, बट जो इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं,
वो जिनको हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं वो बेसिकली फोर टाइप की होती हैं दोस्तों। देर आर फोर फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो दोस्तों उनके जो नाम हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ इनकी। द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड द सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू माई नंबरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनके यहाँ पे नाम लिखता हूँ वन बाई वन, पहली फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों अगर मैं इनको डोमेन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिलेट विद द मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड द लास्ट वन फोर्स रिलेट विद द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। दोस्तों माइक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब है हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे इनको डील करेंगे। मींस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो रिलेट करती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे ये रिलेट करती है। एंड द फर्स्ट टू फोर्सेस ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिलेट विद द मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मींस बिग साइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके तो दोस्तों देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेज, तो अब हम इनको वन बाई वन बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा फोर्स रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन सर ने बताया था, उन्होंने अपना लॉ दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बेसिकली रिलेट करता है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारी जो इंटरप्लेनेटरी जो सिस्टम है उसको लेके उन्होंने ये बताया था। जितने भी जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी के बारे में इसने बताया। तो न्यूटन सर ने जो बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू मासिव बॉडी इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है यूनिवर्स में एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक सर्टेन फोर्स के साथ, ठीक है दोस्तों। और वो जो सर्टेन फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन ने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था वो ये था दोस्तों, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर। इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एम वन एम टू यहाँ पे बॉडीज़ के मासेज हैं, आर उनके बीच के उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस है, और एफ यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, और जो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। दोस्तों इट हैज़ ए वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि जो ऑर्डर है देखो दोस्तों कितना है 10^-11, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्स में कोई भी एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए सर्टेन फोर्स, सच सर्टेन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फॉर्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम विच इज़ इंटरवीनिंग बिटवीन द बॉडीज। कहने का मतलब ये है
दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में आने वाले मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये कांस्टेंट फोर्स है, चाहे आप वैक्यूम के लिए निकालो चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए निकालो, हमेशा वो सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सिंपली वी कैन से दैट द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक इसकी जो रेंज है वो काउंट होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये फोर्स लाई करती है कहाँ से कहाँ? इंटर एटॉमिक लेवल टू इंटर प्लैनेट, जो हमारा लेवल है या सिस्टम है वहाँ तक लाई करती है। दोस्तों आप खुद देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि इंटर एटॉमिक लेवल से लेके इंटर प्लैनेट, जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ तक इसकी जो रेंज है वो मानी गई है। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट लेवल, और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो इन्फिनिटी तक हम मानते हैं। ठीक है ना, इनफैक्ट हम ये बोलते हैं कि जितने भी जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, जो हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो इसी फोर्स की वजह से बंधा हुआ है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, वो इसी फोर्स की वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दोस्तों यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स है यहाँ पे। अब वो कितना कमज़ोर है मैं अभी आपको बताता हूँ। जितने भी जैसे कि अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इसी फोर्स की वजह से, या और जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी इसी फोर्स की वजह से हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो वीकेस्ट फोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे है, इस फोर्स से बहुत सारे फिनोमिना वो गवर्न किए जाते हैं, चाहे वो अर्थ और सन की हम बात करें। ठीक है दोस्तों, चाहे हम अर्थ और सन की बात करें दोस्तों, ठीक है, वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है, बट हम ये इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्व, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ द क्लाउड ऑफ द हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब ये है, हमारा जो पूरा जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी की फॉर्मेशन है, स्टार्स की फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता सब कुछ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, इट इज़ सेंट्रल फोर्स एंड इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दोस्तों, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके सेंटर से सेंटर तक को ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास m1 है, मास m2 है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव नेचर की, ये एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर जो लाइन होगी ना, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, ये उसी के अलोंग एक्ट करती है दोस्तों। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडीज, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों के दोनों दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कंजर्वेटिव का मतलब, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो जो ग्रेविटेशनल है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। आगे जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब हम जो वर्ड वन निकालेंगे तो हम इसको प्रूव भी किया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पार्टिकल है दोस्तों, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, एक्सचेंज पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको बोलते हैं ग्रेविटोन। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक बार आप सोच के देखो छोटी सी बात, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप सोच के देखो ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो मेरा सीधा सा मतलब ये है, m1 और m2 दोनों आपस में
एक पार्टिकल की शेयरिंग कर रहे हैं, उस शेयर्ड पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेविटोन। दोस्तों ये अभी तक डिस्कवर तो नहीं हुआ है, बट साइंटिस्ट की जो अजम्पशन है उसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है ग्रेविटोन। ठीक है ना, कोई भी दो बॉडी जब अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं, इट मीन्स वो दोनों आपस में एक पार्टिकल को शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटोन। सो द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करती है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और भी बहुत सारी छोटी छोटी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों अगर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊँ यहाँ पे, सबसे मेन पॉइंट दोस्तों रहेगा ये, हमें पता है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, बट दिस फोर्स विल बी डोमिनेटिंग, दिस फोर्स विल बी डोमिनेटिंग व्हेन मास ऑफ आइदर बॉडी इज वेरी लार्ज। मतलब ये है कहने का, अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो जाए दूसरे की कंपैरिजन में, तो ये जो फोर्स है ये डोमिनेटिंग हो जाती है उस हैवियर मास की। इसलिए जो लाइटर मास ऑब्जेक्ट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व घूमना है, वो रिवॉल्विंग स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं सन और अर्थ के लिए, अब जो सन का मास होता है वो इनफाइनाइटली हाई लार्ज होता है अर्थ के मास के कंपैरिजन में, तो जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन की डोमिनेटिंग रहेगी, अप्रिसिएबल रहेगी। तो इसीलिए जो अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर एक बॉडी का भी मास ज़्यादा हो जाएगा तो यह फोर्स अप्रिसिएबल हो जाएगी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन और अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी सेकंड फोर्स रहेगी उसको हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों क्लास ट्वेल्थ में पहली पांच यूनिट आएंगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें दोस्तों क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो की पॉइंट रहेगा वो रहेगा चार्ज। ठीक है दोस्तों, चार्ज की कंप्लीट स्टडी की जाएगी उसमें, तो ये फोर्स वहीं से आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका भी जो की पॉइंट होता है वो चार्ज होता है दोस्तों। अब जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स कब रहेगी दोस्तों, व्हेन चार्ज एट रेस्ट। दोस्तों जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तब हम उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम वो स्टडी करेंगे, और जब दोस्तों चार्ज किस में रहेगा, व्हेन चार्ज आर मूविंग, जब दोस्तों चार्ज मूव करेगा तब उसका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों के दोनों जो इफेक्ट हैं या फोर्स हम निकालेंगे। तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो कुलाम ने इसका अलग से फॉर्मूला बताया हुआ है कि मान लिया कोई भी दो पॉइंट चार्ज लाइक और अनलाइक हो सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे क्यू1 क्यू2 है चार्जेस के मैग्नीट्यूड, आर उनके बीच के सेपरेशन, आर उनके बीच का सेपरेशन है, और के यहाँ पे दोस्तों इसको बोलेंगे कुलाम्स कांस्टेंट, कुलाम्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों के की 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये दोस्तों वैल्यू होती है के की। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मेरा कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज डिपेंड ऑन द मीडियम, ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक है दोस्तों, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये भी दोस्तों सेंट्रल फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करती है, और भी बहुत सारी बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। अब मैं कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ पे। जितनी भी इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं
वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जैसे कि दोस्तों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग है, नॉर्मल रिएक्शन है या स्प्रिंग फोर्स है, ये भी सारे की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं दोस्तों। केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, जो हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके अंदर भी जो फोर्स रहेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो इसका एक्सचेंज पार्टिकल है, कहने का मतलब ये है, अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, r दूरी पे हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब वही है, ये दोनों के दोनों आपस में एक पार्टिकल को शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है फोटोन। सिंपली वी कैन से दैट द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन। उसके बाद आती है दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द थर्ड फोर्स, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, ये जो फोर्स है, अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात की जाए दोस्तों, प्रोटॉन के बारे में हम सभी जानते हैं, जो मास होता है प्रोटॉन का 1.6×10⁻²⁷ ऑफ kg, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। दोस्तों एक बार तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेगी प्रोटॉन को लेके, और एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकाली गई, तो जो रेशियो आया ना दोस्तों एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एफ ग्रेविटेशनल, उसकी वैल्यू आई दोस्तों नियरली इक्वल टू 10⁻³६। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻³⁶ टाइम स्ट्रोंगर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब आती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है भाई, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो न्यूक्लियस होता है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस, उसकी फॉर्मेशन इसी फोर्स की वजह से होती है। तो इट इज़ द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियोन्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोन्स को जो फोर्स बांध के रखती है, न्यूक्लियस को बना के रखती है, उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूक्लियोन्स होते हैं उनमें जो पेयरिंग हो सकती है, जो पेयरिंग होती है दोस्तों प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इन तीनों के बीच में ये प्रोबेबल रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करता हूँ आपके सामने, आपको पता है दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों का बस चले तो ये तो रिपेल कर देंगे, ये तो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट कुछ तो ऐसा है उसके अंदर जो इन दोनों के रिपल्सन को ओवरकम करता है। जो फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन को ओवरकम करती है वही फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ अ फोर्स विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है, अगर मैटर एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, वो इसी फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों, 10⁻³⁸ टाइम स्ट्रोंगर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों, ठीक है ना। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों पाई मिजोन पार्टिकल है इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है रेंज। दोस्तों इसकी रेंज होती है न्यूक्लियर डायमेंशन तक, नियरली इक्वल टू अप टू 10⁻¹⁵ मीटर। जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है ना दोस्तों वही इसकी रेंज होती है। और ऐसा माना जाता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड इट इज़ ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। दोस्तों ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे पेयर की बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दोस्तों ये तीनों के बीच में पाई जाती हैं जो न्यूक्लियस के, जो हमारे न्यूक्लियोन्स होते हैं उनके बीच में। उसके बाद इट डोंट ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ। दोस्तों ये इनवर्स स्क्वेयर लॉ को ओबे नहीं करती, एंड इट्स डोंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करती दोस्तों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था दोस्तों वो इनवर्स स्क्वेयर लॉ को ओबे करता था,
बट ये फोर्स ओबे नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो न्यूक्लियस के सेंटर पे होती है, और जैसे ही हम उसके सरफेस की तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल शार्पली डिक्रीज करती है एकदम से, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसके सेंटर पे होती है। उसके बाद आता है इट शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। दोस्तों सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, तो जब मान लो जैसे ये कोई न्यूक्लियॉन है हमारा, इसके जो इमीडिएट जो नेबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स होंगे ना, उनका इंटररिएक्शन का इफेक्ट यहाँ पे काउंट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रूप में। मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी न्यूक्लियॉन पे जो फोर्स लगेगी उसका जो इमीडिएट नेबर होगा ना वो उस पर इफेक्ट लगाएगा, सेकेंड नेबर का कोई रोल नहीं होगा इस सेंटर वाले पे, ठीक है ना दोस्तों। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इमीडिएट नेबर, इसलिए उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट है दोस्तों मीडिएटिंग पार्टिकल होता है इसका पाई मीज़ोन, ठीक है दोस्तों। वैसे भी तीन तरह का होता है, पाई न्यूट्रल, पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। सिंपली हमें इसको पाई मीज़ोन इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ नॉट द वीकेस्ट फोर्स, इट इज़ आल्सो विद इन द न्यूक्लियस डायमेंशन। दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये इसको हम वीक फोर्स भी बोलते हैं, बट ये इसका सिर्फ नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, वो लगभग 10^-16 मीटर का इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और सबसे मेन बात है दोस्तों, ये कहाँ मिलती है हमें, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ना दोस्तों, वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए डीके करता है, और जो डीके होता है दोस्तों वो 3 टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा। तो जो बीटा डीके होता है ना दोस्तों, वो जनरली 2 टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। जो बीटा नेगेटिव होता है ना उसको हम इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं, और जो बीटा पॉजिटिव होता है उसको पॉजिट्रॉन एमिशन बोलेंगे हम। अब हो गया क्या इसमें, मैं आपको बताता हूँ। मान लिया कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो डीके करना स्टार्ट कर देगा विद इन द न्यूक्लियस। जब किसी न्यूट्रॉन का डीके होता है ना, तो एक तो प्रोटॉन बनता है और एक दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक साथ में एक पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है दोस्तों। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कहने का मतलब ये है जब एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का डीके होता है तब एक प्रोटॉन पार्टिकल बनता है, ये तो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा, लेकिन जो ये दो पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटररिएक्शन रहेगा ना वो रहेगा वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है दोस्तों। पता है दोस्तों स्टार्टिंग में जब इस डीके को डिस्कस किया गया तब साइंटिस्ट ने केवल इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया था, और तब लगातार बीटा डीके होता रहा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते रहे, तब साइंटिस्ट ने जब उनकी एनर्जी को प्लॉट करके देखा ना, वहाँ पे इधर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर है काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों जो लगातार जो इलेक्ट्रॉन डीके प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल रहे थे, उनकी जो एनर्जी थी ना वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही थी दोस्तों इस टाइप से। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार पार्टिकल तो एक ही है, लेकिन उसकी एनर्जी वेरी क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी को बार बार चेंज कर रहा है। तो दोस्तों तब एक हाइपोथीसिस आया था जिसका नाम है न्यूट्रिनो हाइपोथीसिस। उस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग एक न्यूट्रल पार्टिकल का एमिशन होता है साथ में, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। मतलब इस फ्री पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल और निकलता है जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शेयर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है तो इस पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम रहेगी, वो डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना ये एनर्जी को शेयर करेगा, एंड द कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो उतना ही वेरी करेगी, ठीक है दोस्तों। ये तो था जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। एक होता है दोस्तों, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में, ये होता है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, हीलियम के आइसोटोप्स होते हैं, उसमें जब प्रोटॉन का डीके होता है ना न्यूक्लियस के अंदर,
तब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक एंटी पार्टिकल निकलता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है। ये न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और ये दोनों जब बाहर निकलेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा उसको बोलेंगे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, उसको बोलते हैं बोजोन। ठीक है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है वो है मासिव वेक्टर बोजोन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी, और हाँ इसका जो ऑर्डर है हमारा लगभग आप लगा लो 10^-13 टाइम ये वीकर होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे ये 10^ अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जो रेशो होता है वीक न्यूक्लियर का और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का, वो कितना रहेगा, ये 10^-13 टाइम कम रहेगी किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। एंड द लास्ट दोस्तों, ये जो टेबल है एक बार इसको जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने सभी जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रेंज है और कहाँ कहाँ वो ऑपरेट कर सकती हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर दोस्तों मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मान लेता हूँ 1 मैक्सिमम, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होती है दोस्तों, 1/10^38 टाइम्स जो रेशो होता है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है इनफाइनाइट, और जो इसका पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेविटॉन, और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इसकी जो रेंज रहेगी इन द इंटायर यूनिवर्स। उसके बाद आती है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये होती है 1/100 टाइम्स जो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 100 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है दोस्तों, इसकी भी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है, और ये कहाँ मिलती है हमें, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कितनी होती है दोस्तों, 1/10^13। ठीक है ना, और इसकी जो रेंज होती है वेरी शॉर्ट रेंज होती है, और डायमेंशन होता है वो कितना होता है दोस्तों, नियरली इक्वल टू 10^-16 मीटर, और ये हमें मिलेगी सम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की हम बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके जो रेंज रहेगी 10^-15 मीटर, और ये हमारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस वहाँ ये पाई जाती है दोस्तों।